न्यूज प्लस की सीधी बात में आप सबका स्वागत है। मैं हूं जीतू भाई पंड्या। पाकिस्तान के राष्ट्रपति जरदारी साहब जब भारत आए हुए हैं, कल उनकी ही चर्चा थी सारे दिन। जब मेरी सीधी बात कल टीवी पे प्रसारित हुई तो मुझे एक भाई का फोन आया। उन्होंने कहा, जीतू भाई आपको क्या लगता है, क्या अखंड हिंदुस्तान फिर से बन पाएगा? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश क्या एकजुट हो पाएंगे? जैसा यूरोप में एक फेडरेशन है यूरोपियन देशों का, हालत बहुत खराब है, अभी उसकी चर्चा करने जैसी नहीं है। जब इकट्ठा हुए थे यूरोपियन देश तो लगता था कि दुनिया बदल देंगे, अमेरिका को वो सबक सिखा देंगे, कुछ नहीं हुआ, बेचारे उल्टे मुंह गिरे हुए हैं। फिर भी 28 देशों के बीच में एक करेंसी है, उनकी एक ही करेंसी है, यूरो। तो वो जानना चाहते थे कि क्या भारत, पाकिस्तान, नेपाल, ये बांग्लादेश, ये सब इकट्ठे हो सकते हैं। मैंने कहा, अखंड भारत होगा कि नहीं मुझे पता नहीं है। ये तीनों देश फिर से मिल जाएंगे, हो सकता है नाम भारत की जगह कोई नया रखा जाए, मगर भारत में से जो पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग हुए हैं, उनका एकजुट होना, इकट्ठा होना, वो बस तय है, बिल्कुल तय है, और वो होगा। नाम बदल सकते हैं, रुपये की जगह कोई नया, ऐसे तो तीनों देश में रुपये की करेंसी है, मगर करेंसी भी हम कोई नई खड़ी कर दे, कुछ भी हो सकता है। मगर ये तीन देश बहुत ही जल्दी इकट्ठे हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा, जी तुम्हें इतने कॉन्फिडेंस से आप कैसे कह सकते हो कि ये तीनों देश एक हो जाएंगे, अखंड भारत हो जाएगा? मैंने कहा, मैं बार बार कहता हूं उसका नाम भारत ही होगा, हिंदुस्तान होगा, मैं नहीं जानता, ये देश इकट्ठे हो जाएंगे ये मैं जरूर जानता हूं। बोले, आपकी आप क्या वजह देना चाहेंगे, क्या होगा ये सब इकट्ठे हो जाएंगे? मैंने कहा, आगे क्या होगा वो मुझे पता नहीं है, मेरे पास कोई इलम नहीं है, मैं कोई बड़ा अर्थशास्त्री, बड़ा राजनीतिक न हूं नहीं, मैं थोड़ा कुछ इतिहास जानता हूं, थोड़ा कुछ भारत की संस्कृति के बारे में जानता हूं। मेरा जो जवाब है वो आध्यात्मिक जवाब है, क्योंकि एक बात कही गई थी और वो हुई, और वही भाई, वही महापुरुष ने इसी बारे में दूसरी भी बात कही थी, वो होनी ही चाहिए। बात सिंपल है, तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि जो अखंड भारत की बात है वो पूरी होने वाली है, वो सपना जो है सब पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, वो होगा, जरूर होगा, बिना कोई झिझक होगा। मगर कैसे होगा और क्यों होगा, मेरे पास क्यों होगा उसका जवाब है। बात यह हुई कि बड़ौदा, एक जहां मैं रहता हूं, एक अद्भुत नगरी है, बड़ौदा एक अद्भुत शहर है, यहां बड़े बड़े लोग रहे, बड़े पनपे, महर्षि विश्वामित्री जब वशिष्ठ जी से हार के भागे, भारतवर्ष छोड़ के निकल जाना पड़ा, तब बड़ौदा में आके ठहरे थे। महर्षि विश्वामित्री ने यही तपस्या की थी, आंबेडकर जी यहीं से, यहां के महाराजा ने पढ़ाया, सयाजीराव गायकवाड़ ने इंग्लैंड भेजा, यहां उनको नौकरी भी दी और यहीं से आंबेडकर जी पनपे। ऐसे ही यही सयाजीराव गायकवाड़ ने
महर्षि अरविंद को भी अपने पास रखा था। महर्षि अरविंद उनके निजी सचिव थे, बड़ौदा के दीवान थे, यूनिवर्सिटी में प्राध्यापक थे। मगर 1900 में जब बंगाल के दो पार्टीशन कर दिए गए अंग्रेजों के समय में, तब एक बड़ी क्रांति हुई बंगाल में। पूरा बंगाल रास्ते पे आ गया। तो महर्षि अरविंद महाराजा से छुट्टी लेकर, मंजूरी लेकर गए कि मैं यहाँ चैन से नहीं रह सकता हूँ, मेरा पूरा बंगाल जल रहा है, मैं वहाँ जाता हूँ। अरविंद वहाँ पहुँचे। अरविंद ने वहाँ बड़ी क्रांतिकारी सेना खड़ी कर दी, बहुत रिवॉल्यूशन में भाग लिया, बॉम्ब धड़ाके किए और वो पकड़े भी गए। उन्हें एक साल तक, महर्षि अरविंद को एक साल की सजा हुई और वो सजा जिस तरह से दी गई वो तो बड़ी भयानक चीज है। वो एक छोटी सी खोली थी जिसमें सूरज का एक भी किरण नहीं आता था, पता ही नहीं चले आज दिन हुआ, आज रात हुई, आज 8 तारीख हुई, आज सोमवार हुआ, कुछ पता नहीं चले, किसी की बात नहीं सुनने की, किसी से बात नहीं कर सकते, बस एक आप सो सकते हैं, लंबा होके सो सकते हैं। कोई 6 फुट बाय 8 फुट की एक खोली में उन्हें रख दिया गया। खाना भी उन्हें एक खाने में से उसको खाना आ जाता था, दरवाजा भी पूरा नहीं खोला जाता था। एक साल तक अरविंद को ऐसा रखा गया। अरविंद महान थे, महाआत्मा थे। कोई दूसरा होता तो पागल हो जाता, अरविंद पागल नहीं हुए। ये एक साल जो अंधेरे में रहे वहां उन्हें ज्ञान की बरखा हो गई, वहां उन पर ज्ञानमय हो गए, महामानव हो गए, महाचेतना हो गए। जब वो बाहर निकले, दोस्तों ने उम्मीद रखी थी कि फिर से अब क्रांति शुरू कर देंगे, उन्होंने कहा मैं अभी ये हिंसक क्रांति में मानता नहीं हूं। मैं मानता नहीं हूं कि बाहर के जगत में कुछ भी करने से कुछ भी हासिल होता है। उन्होंने कहा जो कुछ होता है वो आध्यात्मिक जगत में होता है, आपका जो जगत है उसमें तो सिर्फ आध्यात्मिक जगत की परछाइयां खेल रही है, यहां कुछ होता ही नहीं है, जो कुछ होगा वो आध्यात्म जगत में होगा। और मैं वहां महाचेतना को जगाकर भारत को आजादी दिलवाऊंगा। सबने समझा कि अरविंद डर गए हैं, पागल हो गए, उसका मन विकृत हो गया है। बहुत चर्चा चली, बहुत लोगों ने कहा कि तुम डर गए, तुम फिसल गए, तुम अपने क्रांति का मार्ग छोड़ रहे। एक दिन अरविंद ने मौन तोड़ा। उन्होंने दोस्तों के सामने कहा कि मैं जो कह रहा हूं वो सत्य कह रहा हूं कि आध्यात्मिक जगत से ही भारत को आजादी मिल सकती है और मैं दिलाऊंगा, आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, और मेरी आध्यात्मिक साधना से ही आजादी आएगी, उसका मैं प्रूफ देता हूं। यह बात 1905 की है। उन्होंने कहा भारत को अभी आजादी आने में देर है, मगर जब भी भारत आजाद होगा लिख लो, दीवार पे लिख लो, भारत 15 अगस्त को ही आजाद होगा, जबकि वो मेरा जन्मदिन है। जब भी भारत को आजादी मिलेगी वो 15 अगस्त को मिलेगी। ये अरविंद ने 1905 में कहा, 43 years ago। 1948 में आजादी आई, 43 years before, 43 साल पहले अरविंद ने कहा कि 15 अगस्त को आजादी आएगी, याद रख लो। फिर गांधी जी ने नेतृत्व संभाला। मैं जो समझता हूं कि गांधी जी में जो ये इतनी बड़ी भारी ताकत इकट्ठी हुई, वो अरविंद की ताकत का एक बहुत बड़ा अंश गांधी जी में स्थापित हुआ था। करते थे गांधी जी, मगर बात उनके पीछे जो ताकत थी वो अरविंद की थी। अब आजादी आ गई, सब तय हो गया, भारत का विभाजन तय हो गया,
सब लोगों ने मिलकर अरविंद को कहा कि महर्षि ये क्या हो रहा है, आप कहते थे कि मैं आजादी दिलाऊंगा, तो ऐसी आजादी? तो अरविंद ने कहा कि ये भारत विघटित होना है, ये भी एक घटना है, ये घटेगी, भारत का विभाजन होना है, होगा, मगर मेरे वचन पे विश्वास रखो, ये अखंड भारत फिर से होके रहेगा। जो आदमी 43 साल पहले कह सकता है, 365 दिन है, अगर कहते बुधवार को आजादी मिल जाएगी तो 7 में से एक दिन हो सकता है, बहुत कम संभावना है नहीं होने की, कोई एक दिन बता दे दो, मगर 365 दिन में से एक दिन बताना कि 15 अगस्त को आजादी मिलेगी और वही दिन आजादी मिले, और याद रहे, और याद रहे, मैं खास कहना चाहता हूं कि पहले हमें जो आजादी मिलने वाली थी वो सितंबर अक्टूबर या नवंबर में मिलने वाली थी, तारीखें तय नहीं थी, मगर बात ऐसी थी कि भाई हमें सितंबर अक्टूबर महीने में आजादी देनी है। अचानक जब अंग्रेजों को पता चला कि जीना को कैंसर है, अगर वो मर गया जीना तो फिर ये आजादी बंटवारे के साथ आजादी नहीं हो पाएगी और बड़े पेचीदे प्रश्न खड़े हो जाएंगे, तब जाके बिल्कुल 14 अगस्त तय हुई कि 14 अगस्त को आजादी दे दी जाए। अब देखो अरविंद की बात कहां आगे रुकती है, कानूनी पेचीदगी खड़ी हो गई कि 14 अगस्त को हम अगर भारत को आजाद कर देते हैं और फिर भारत पाकिस्तान को आजाद न करे तो अंग्रेज कुछ नहीं कर पाएंगे, तो पहले पाकिस्तान को आजादी दो फिर भारत को दो, बंटवारा पहले हो जाए। जिन्ना ने कहा, मुस्लिम लीग ने कहा, फिर ये लोग हमें देंगे नहीं, तो तय हुआ कि 14 अगस्त रात को 11:59 पे पाकिस्तान को आजादी दी जाएगी और 12:01 पर भारत को दी जाएगी, ताकि दोनों का एक दिन का फैसला अंतर रहे और पाकिस्तान भारत से पहले अलग हो गया हो, ऐसा पुरवार हो जाए। तो 14 अगस्त तय होने के बाद भी 15 अगस्त पे बात आके खड़ी हो गई। तो ये अरविंद की बात थी, जो आदमी 43 इयर्स पहले कह सकता है, 43 साल पहले कह सकता है कि 15 अगस्त को आजादी मिलेगी, मिली, और वो आदमी कह के गया है कि भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश एक हो जाएंगे, तो हो जाएंगे, मुझे कोई इसमें संदेह नहीं है, मैं कोई थोड़ी सी भी गुंजाइश नहीं रखता हूं कि ये नहीं होगा, अब ये होगा। अब आप मुझे पूछ सकते कब होगा, हो सकता है तीसरे विश्व युद्ध के बाद भी ये हो, तीसरा विश्व युद्ध हो और उसके बाद में ये आजादी का, ये तीनों राष्ट्र जो है वो एक हो जाए। अब तीसरा विश्व युद्ध कैसे होगा वो मैं आपको बता देता हूं। पहली लड़ाई हुई जर्मनी की और सामने वालों राष्ट्रों की, दूसरी लड़ाई भी जर्मनी ने ही शुरू की, हिटलर ने, अब तीसरी जो लड़ाई है वो बिल्कुल साफ है, तीसरी लड़ाई होगी, पक्की होगी, और वो इस्लामिक राष्ट्र और क्रिश्चियन राष्ट्रों के बीच में होगी, ये तीसरी लड़ाई होगी, बड़ी भयानक होगी, बड़ा खून खराबा होगा और कभी भी हो सकती है, कल से परसों से आप कोई भी दिन तय हो किया होगा भगवान ने, उस दिन से शुरू हो जाएगी। मगर ये बात पक्की है कि अंग्रेजों क्रिश्चियंस वर्सेस मुस्लिम्स की ये लड़ाई है और इसमें भारत बहुत बड़ा रोल अदा करेगा, बहुत बड़ा रोल अदा करेगा, तो ये पक्की, इतनी बात पक्की है। हो सकता है तीसरे विश्व युद्ध के बाद ये तीनों देश इकट्ठा हो जाए, हो सकता है बड़े मिलजुल प्यार से 10 साल बाद 15 साल बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश की संसद एक ठहराव पसार कर दे कि चलो हम सब इकट्ठे हो जाए, बिल्कुल म्यूचुअल भाईचारे से भी ये हो सकता है, कोई बात नहीं है कि नहीं हो सकती, मगर तब एक ही बात है, अगर भाईचारे से बिल्कुल अपने दोस्ती मोहब्बत से ये हो जाता है तो आज जिसकी ये कल्पना है अखंड भारत की जो बात लेके चलते हैं, भाजपा, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, विद्यार्थी परिषद, उनकी हालत
क्या होगी वो मैं सोचता हूं। अगर आज भी कल परसों 10 दिन में पाकिस्तान बांग्लादेश ठहराव लेके आ जाते हैं कि हम एक हो जाए, भारत पाकिस्तान बांग्लादेश एक हो जाए, तो पाकिस्तान में 16 करोड़ या 18 करोड़ की बस्ती है, बांग्लादेश में कोई 14-15 करोड़ की बस्ती है और भारत में 18 करोड़ मुसलमान है, तो समझो कुल मिला के 50 करोड़ मुसलमान और एक अब्बज हिंदू का ये बहुत ताकत वाला देश बनेगा। चीन तो कहीं पीछे रह जाएगा। मगर आज जो अखंड भारत की कस्में खाते हैं रोज, वो भाजप और आरएसएस को ये ठहराव का विरोध करना पड़े ऐसा मुझे लगता है। वो नहीं चाहेंगे कि ये इतना बड़ा भारत, अखंड हिंदुस्तान फिर से खड़ा हो जाए जिसमें 50 करोड़ मुसलमान हो और एक अब्बज हिंदू हो। फिर हो सकता है कि कांग्रेस, आरएसएस, कांग्रेस, लालू, ममता सब उसका है कि नहीं ठीक है एक हो जाए और भाजपा और आरएसएस को विरोध करना पड़े कि नहीं नहीं ये मर्जर नहीं हो सकता है, अखंड हिंदुस्तान नहीं हो सकता है। अरविंद ने कहा था अखंड हिंदुस्तान होगा, मैं समझता हूँ कि होगा। कब होगा, कैसे होगा, वो आने वाला दिन बताएगा। सीधी बात में आज सिर्फ इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे।